देखो अभय सिंह जी पर पूरा भरोसा है, 100% भरोसा, हमको कुछ ना कुछ दिलाएगा। दी ग्राउंड नेटवर्क की खबरें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं दी ग्राउंड नेटवर्क, मैं हूं आपके साथ विक्रम इंदुरा। इस वक्त की ग्राउंड रिपोर्ट दिखाने के लिए मैं पहुंच चुका हूं नाथुश्री चोपटा का गांव है रूपावास। रूपावास के खेतों में मौजूद हूं और आप मेरे पीछे का दृश्य देख सकते हो कि ये नरमा की फसल है। आप देख सकते हो ये जो नरमा है इस पर पूरा फाल भी आ चुका था, लेकिन ऐसी प्राकृतिक आपदा आई, मेरे पीछे का ये सारा दृश्य देख सकते हो किस प्रकार यहाँ आसपास की जो सैकड़ों एकड़ भूमि है वो पूरी तरह से जलमग्न हो चुकी है। इस वक्त की मैं सबसे बड़ी अपडेट आपको रूपावास से दिखा पा रहा हूँ, जहाँ पर ये सैकड़ों एकड़ जो खड़ी फसल थी नरमा की, ये पूरी तरह से जलमग्न हो चुकी है। किस तरह से कुदरत का ये कहर बरपा है, तमाम किसानों के चेहरे आप देख सकते हो, जूम करके दिखाए। ये वो किसान है जिनकी ये फसल पूर्ण रूप से बर्बाद हुई है। किसानों के चेहरे है वो मुरझाए, ये प्रतीत कर रहे हैं कि उनका एकदम से सारी जो मेहनत थी, सारे जो अरमान थे, उन अरमानों पर पानी जो है फिर चुका है। कितना नुकसान इन किसानों का हुआ होगा ये आप वीडियो के माध्यम से स्पष्ट रूप से देख सकते हो कि जो फसल होती है, फसल को किसान अपने बेटे की तरह जो है उसको पालते हैं, उनको बड़ा करते हैं, और जब एकदम से प्राकृतिक आपदा आ जाए तो कितना कहर उन पर बरपा होगा। हमारे साथ कुछ किसान हैं, इनसे हम बातचीत करते हैं। हाँ जी, ताऊजी राम राम। राम के नाम है राजेंद्र। राजेंद्र जी, ये जो नरमा की फसल है, प्राकृतिक आपदा आई, भारी बरसात के कारण एकदम तबाह हो गया, क्या कुछ कहोगे? सरकार मुआवजा ही मांग है जी, जो कुछ खर्चो है वो पूरा हो जाए तो ठीक है, कुछ मदद कर दिया तो फायदो है। अगर इस रूपावास गांव की मैं बात करूं, कितना का नुकसान इस गांव का हुआ? नुकसान जी लगभग ही एरिया कोई ज्यादा है। कितनी के एकड़ भूमि है अठाई जी की तबाह होगी? 200-225 लगभग जी है। ये साइड की जिसकी सारी, ये जो कौन कौन सी फसल है नरमा की फसल के अलावा और कौन कौन सी फसल? नरमा है जी, ग्वार है, बाजरा भी है, मूंगफली भी है जी, झोना भी लगाया हुआ है जी इस साइड, वो सब बर्बाद है जी। कुछ भी कौन मंत्रण है जी, 400-450 किलो मार गया 60 तो जी। पानी भरे 200-250 किलो पानी है, बाकी 60 मार गया 400-450 किलो अटक रहे, बाकी वही फसल गई, अगली फसल और गई जी, तो पानी सूखना ही कोनी, दो फसल गई। फसल के मैं कितनों को पानी चढ़ रही है? 3 फुट पानी है, कठे 3 है, बटे 3.5 है, अठे मार्के ने, अठे डोला प्रक्रिया कम है, बाकी आगे ज्यादा है पानी, यूं आगे और ज्यादा है पानी, तो एक फसल कौन, दो फसल गई, 200 किला तो छा गया कि दो फसल गई, जो 60 हमारे 400-450 किला है वह आगे कामयाब हो जाए, अब बह गया। ये जो आपके हालात बने हैं इस जमीन के, यहाँ पर कोई प्रशासन की ओर से कोई अधिकारी? कोई अधिकारी को नहीं आयो, पानी है नुमाइंदे है यहाँ के, विधायक है, सांसद है, गए विधायक ने बताई भी हमारे 100-150 किलो पानी भरे है, भी बाद में और आगे बरसात, भी बाद में और भरे जी, विधायक जी आया, विधायक के आश्वासन दे, अभय सिंह जी के गए, मैं आवाज उठाऊंगा विधानसभा में जाके बैठू या स्पेशल की तौरी का मांग करूँ, फिर मिलियो अधिकारियों मिले, कोई आवे को नहीं अधिकारी, दो बार जाइए। हाँ जी राजेंद्र जी, सब कुछ तबाह हो चुका है जी, क्या कुछ? यहाँ 100% नुकसान हो चुका है जी, इस गांव में कुछ नहीं बचा जी, सरकार का कोई नुमाइंदा यहाँ आकर कोई सुनाई नहीं, हम तो दो बार जाइए वो टाल मटोल कर रहे हैं, अभी नहीं आए अभी तक कुछ, इसका क्या करें जी, नरमे की फसल पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है, यहाँ 5 ढाणी है जी, यहाँ से सामान निकाल के गाँव में शिफ्ट किया गया है, बच्चों को स्कूल जाने के लिए यहाँ से पैदल जाना पड़ता था, यहाँ जल भराव से गांव में शिफ्ट कर दिया, यहाँ कोई रतारा लेने के लिए किसान आता है उसको खेत में कोई पता नहीं वापसी जाएगा कि नहीं जाएगा, यहाँ रतारा भी डिग चुका है, और कोई सरकार का नुमाइंदा यहाँ कोई सुनाई नहीं कर रहे हैं, ये विधायक जी आए थे वो बोल के गए कि मैं विधानसभा में मुद्दा उठाऊंगा उसका कुछ ना कुछ आपको मिलेगा, और कोई नहीं आए जी, अभय सिंह जी पर पूरा भरोसा है, 100% भरोसा, हमको कुछ ना कुछ दिलाएगा।
हमारा विधायक, और तो यहाँ सरकार नाम की तो कोई चीज नहीं है। सरकार होती तो तुरंत आदेश दिया जाता भी गिरदावरी की जाए। यहाँ 10 दिन हो गए हैं बारिश हुई ने, अभी तक कोई सरकार का नुमाइंदा या पटवारी कोई भी नहीं है अभी तक। और क्या कहे जी, यहाँ 200 एकड़ फसल बर्बाद हो गई है जी, इसमें स्पेशल गिरदावरी किया जाए सरकार से, तो भी आ फसल खत्म हो गई, आगे फसल भी आ चुकी, क्यों वो पानी सूखने तो आपने, अरे कल शाम ने बरसात और होगी, अरे वो पानी निकाले कहीं थोड़ा बहुत है तो वापिस 2-3 फुट पानी वापिस हो गया। सरकार से यही मांग है भी स्पेशल गिरदावरी करा के भी उचित मुआवजा दिए जाए, नहीं तो भी बच्चों पाल पोषण सही हो जाए, यही मांग है सरकार। धन्यवाद। शेर सिंह नाम है जी, क्या कुछ करना कहना कैसा जी, नुकसान हो गया सारे, नरमा की फसल जी सारी बर्बाद होगी, गुआर है तो वो बर्बाद है, मूंगफली है तो बर्बाद है, बाजरी है 5-7 किलो हम दोनों है तो वो भी जी सारो खत्म हो गया, और आगे की भी में तसल्ली कौन जी बिजाई हुएगी। एक एकड़ की अगर आप बात करा नरमा की फसल की, कितनो खर्च हुआ है एक एकड़? तो जी 20,000 रुपया जी, हाँ तैयार करी है, बिजाई है और है, सीलर है, 15-20 हज़ार रुपया खर्च हुआ। कितने मुआवजे की मांग करो थे सरकार? मुआवजो तो जी मार लो पूरा तो होना ही बने, लाखों रुपया किला मुजाड़ है भाई है जी, गिरदावरी गिरदूरी करे तो की मारो खर्चो पूरा हो, और नुकसान तो बहुत है जी। तो ये थे हमारे साथ रूपावास के किसान, जिन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि प्रति एकड़ के हिसाब से उनका जो खर्चा है कम से कम 20,000 रुपए से लेकर के 30,000 रुपए के बीच में आया है, और जिस तरह से उनको मुनाफा होना था प्रति एकड़ के हिसाब से लगभग 80-90 हज़ार रुपए होना था, तो सरकार से इन्होंने ये गुहार लगाई है कि सरकार स्पेशल गिरदावरी करते हुए इन्हें बेहतर मुआवजा दे, ताकि एक बार फिर से इनका जो जनजीवन है वो सुचारू रूप से शुरू हो। मैं मेरे कैमरामैन सहयोगी को कहूँगा कि ये भी दृश्य दिखाए, यहाँ लगती लगभग 8-10 डाणियां हैं जो बुरी तरह से इस प्राकृतिक आपदा की चपेट में आ चुकी है। छोटे छोटे बच्चे जो स्कूल जाते हैं उन्हें भी भारी भरकम दिक्कतें आ रही है, परेशानी आ रही है, क्योंकि इतना मार्ग पर इतना पानी है कि यहाँ पर चलना भी नामुमकिन उनके लिए हो रहा है। तो स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि आम जनजीवन जो है यहाँ रूपावास के अंदर भी अस्त व्यस्त हो चुका है। अगर मैं पूरे नाथूश्री चोपटा क्षेत्र की बात करूं तो जिस तरह से प्राकृतिक आपदा ने इस चोपटा क्षेत्र को जकड़ा है, यहाँ पर आम जनजीवन अस्त व्यस्त तो हो ही गया है, पशुओं को खाने के लिए चारा के भी लाले पड़ रहे हैं, घरों के अंदर पानी इतना घुस गया है कि घरों की जो नींव है वो भी लगातार कमजोर होती जा रही है। ऐसे में जिनके घर इस प्राकृतिक आपदा के कारण ढह गए हैं, मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि उनको भी सरकार सहायता राशि दे, और किसानों की सुध लेते हुए स्पेशल गिरदावरी कराते हुए किसानों को बेहतर मुआवजा दे। तो इस वक्त की ग्राउंड रिपोर्ट में रूपावास से आपको दिखा रहा हूं, आप देख रहे हैं दी ग्राउंड नेटवर्क, मैं हूं आपके साथ विक्रम इंदोरा, धन्यवाद। सर्कल रोड सिरसा में पहली बार आधुनिक तकनीक से विकसित स्वास्थ्य उपकरण आपकी सेवा में, घुटनों का दर्द, डिस्क दर्द, माइग्रेन, गठियाबा, लकवा, माइग्रेन या फिर किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो, खेल कूद के दौरान लगी चोट, सर्वाइकल दर्द, कोहनी का दर्द, बैठने, खड़े होने या चलने फिरने में असमर्थता दिखाई देती है, तो आज ही मिशन वेलफेयर फिजियोथेरेपी में आए और अपने स्वास्थ्य को दुरुस्त बनाए। मिशन वेल की टीम एक छोटी सी पहल कर रही है, गरीब व असहाय बच्चों का निशुल्क इलाज किया जाए।